ससुराल द्वारा नवनिवाहिता व उसकी मां की धार धार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामला कुछ यूं है कि जब एक व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी थी तो उसने कन्नौज जनपद के एक गांव की रहने वाली बालिग युवती के साथ पहले मोहब्बत की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाए और यह शारीरिक संबंध कई सालों तक चले। इसी बीच उसकी 2 वर्ष पूर्व उसकी आर्मी में नौकरी लग गई तो उसके घर शादी वाले लोग आने लगे और दहेज में अच्छी रकम की बात कर रिश्ते की बात भी करने लगे तो लालची प्रेमी बालिका से पीछा छुड़ाने की फिराक में लग गया और वह उसके साथ शादी करने से मना करने लगा तो प्रेमी के प्यार में दीवानी बालिका ने स्थानीय थाने में प्रेमी के विरोध में बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिससे उसकी नौकरी खतरे में हो गई। अपनी नौकरी और खुद को बचाने के लिए कई दिनों बाद लोगों के समझाने बुझाने और पंचायत होने पर थाना परिसर में ही बने मंदिर में पुलिस कर्मियों की देखरेख में दोनों ने शादी कर ली और कोर्ट मैरिज भी करवाई गई। विवाहिता की डोली ससुराल में सकुशल पहुंच गई, लेकिन दहेज में कुछ भी साथ न लाने पर कुछ दिनों बाद ही ससुराली जन विवाहिता को परेशान करने लगे। इतना ही नहीं, उसे घर से भी निकाल दिया। न्याय पाने के लिए कभी तो छिबरमाऊ थाना पुलिस तो कभी मैनपुरी जिला अधिकारी SDM के अलावा थाना पुलिस से गुहार लगाती रही। आखिरकार उच्च अधिकारियों की मदद से उसे स्थानीय थाना पुलिस ने घर में पहुंचाते हुए सास ससुर व जेठानी को उसे तंग ना करने की कड़ी हिदायत दी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे तीसरे दिन ही उसकी मां सहित गला रेत कर उसकी हत्या कर डाली। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी जो इंडियन CRP में कार्यरत है, जो घटना से कुछ समय पहले ही घर आया था, को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा के ग्राम हेमपुरा और जनपद कन्नौज के थाना छिबरमाऊ क्षेत्र के नगोई से जुड़ा है। जनपद कन्नौज के ग्राम नगोई निवासी राजकिशोर की 26 वर्षीय पुत्री अंजू अपने ही एक दूर के रिश्तेदार विपिन कुमार, जो थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम हेमपुरा का रहने वाला है, से पढ़ाई से समय बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। इसी बीच कुलदीप ने अंजू के साथ शादी का झांसा देते हुए उस समय शारीरिक संबंध बना डाले जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा और यौन शोषण करता रहा। उसी समय 2 साल पूर्व कुलदीप की आर्मी में नौकरी लग गई तो कुलदीप के घर शादी वाले आने लगे, जो दहेज में अच्छी खासी रकम देने की भी बात कह रहे थे। दहेज में अच्छी खासी रकम मिलने के चलते कुलदीप अंजू से पीछा छुड़वाना चाहता था, जिसके तहत अंजू से शादी करने से इनकार करने लगा तो अंजू ने अपने प्रेमी के खिलाफ बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिससे उसकी नौकरी में खलल मच गई थी। अपनी नौकरी को बचाने के लिए तमाम तरह की पंचायतें हुई, लेकिन अंजू अपने प्रेमी को खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा कुलदीप ने अंजू के साथ पुलिस के संरक्षण में थाना परिसर में ही बने एक मंदिर में शादी की और उसके बाद कोर्ट मैरिज भी की। अंजू नवनिवाहिता बनकर अपने ससुराल आई। उसकी सास, उसके ससुर, जेठ और जिठानी एवं देवर उसे प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों के बाद ससुराल वालों ने अंजू को घर से निकालकर बाहर कर दिया। न्याय पाने के लिए अंजू और उसके माता पिता कभी थाना छिबरमाऊ तो कभी जनपद मैनपुरी के आला अधिकारियों के चक्कर लगाने लगे। आला अधिकारी की मदद से 2 दिन पूर्व भी थाना पुलिस उसे घर पहुंचा कर आई। ससुराल में पर्याप्त कपड़े ना होने के कारण अंजू ने अपनी मां को भी कपड़े लेकर बुला लिया था, लेकिन तीसरे दिन सास ससुर और देवर ने दोनों मां और बेटी की धार धार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। इस संबंध में सूचना पर पहुंची पुलिस ने देवर कुलदीप को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। घर से फरार सास ससुर की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जैसे कि एक गांव हेमपुरा में घटना हुई है आपकी बहन के साथ, क्या है पूरा मामला? हमला कुछ नहीं है, घर परसों आई थी, पुलिस लेके गई थी। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं करती। अच्छा, 4 दिन उसको थाने में बिठा के रखा। ठीक ठीक, उसके बाद फिर पुलिस लेके गई, घर छोड़ के आई तो पुलिस ने कहा कि माँ को वहाँ भेज दो सेफ्टी के लिए। मेरी माँ गई कल आज रात में, ये वारदात हुई, दोनों को मार दिया। किसने मार दिया? सारे लोग, हमारा और सर, हम तो अपने घर थे, सारे लोग थे। बता रहे हैं मौके से गिरफ्तार भी किसी को किया? गिरफ्तार किसी को नहीं किया, एक भाई ने किया, एक भाई किया है उसका छोटा, और सब फरार हो गए। क्या नाम है उसका? कुलदीप। क्या नाम है आपका? राजकोट।
जैसे कि घटना हुई है गांव में हेमपुरा आपकी बच्ची के साथ, क्या है पूरा मामला, कैसे क्या? ये इन्होंने पहले 2 साल पहले शादी की थी, शादी के बाद 6-7 महीने रखा इसको, और रखने के बाद फिर इसको घर से निकाल लिया। निकालने के बाद हम लोग यहाँ थाने आए, थाने आके और इसको 4-5 दिन यहाँ रही है, थाने वालों ने वहाँ छोड़ा। छोड़ने के बाद इन्होंने मर्डर कर दिया। किन लोगों ने मर्डर किया? इनके ससुराली जन। नाम है माँ बाप और देवर जेठ जेठानी। ओके बताओ ना। तो घटना के रुक जा अरे घटना के समय क्या नाम विवाहिता का पति कहाँ था? घर था। अच्छा, ससुराली जनों पे आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, ससुराली जनों ने मारा है। हेमपुरा में डबल मर्डर की सूचना मिली है, पूरा मामला क्या है? ये गांव हेमपुरा है, थाना बिछवा, मैनपुरी का प्रकरण है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना पर बहुत ही तत्परता से हमारी पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुँची है। मौके पर देखा कि माँ और बेटी यहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी मिली हैं। साथ ही साथ सर्च किया आसपास तो पता चला कि एक जो मृतका है उसी का देवर है, वो एक हसिया के साथ भागता हुआ नज़र आया। उसको पुलिस टीम ने घेराबंदी करके हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ की गई है जिसमें उसने जुर्म का इकबाल किया है। उसने बताया भी है कि उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है। कारण पूछने पर पता चला कि इनका पारिवारिक विवाद था। इनका एक भाई है जो मुलजिम पकड़ा गया है, उसका एक भाई है जो आर्मी में कहीं जॉब करता है, और इस महिला के साथ उसके कभी प्रेम संबंध थे और प्रेम विवाह हुआ था। लेकिन उसके बाद जब उसकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तो वो इसको भगाना चाहता था ताकि दूसरा विवाह कर सके जी। तो ये घरेलू विवाद चल रहा था, इनमें पारिवारिक कलह चल रहा था, उसी से तंग आकर के ये व्यक्ति जो कुलदीप शाक के नाम का इसका देवर ही है, उसके द्वारा ये घटना कारित किया जाना बताया है। बाकी उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, मृतका के परिजनों को सूचित किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल फील्ड यूनिट यहाँ मौके बुलाई गई है, वो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है। बताना चाहेंगे कि जो मृतका है उसकी माँ भी यहाँ पर आई हुई थी जी। और माँ को भी इस व्यक्ति ने घायल करके मृत अवस्था में कारित किया है। इन दोनों बॉडीज़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है और बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर ये जानकारी मिलेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।